नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था JIM जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के बारे में, उनकी अपडेट्स के बारे में एंड उनकी हिस्ट्री के बारे में एंड साथ ही साथ उनके कोर्सेज के बारे में। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं HMI यानी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में एंड इनके कोर्सेज के बारे में। और मैं लास्ट में एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम लोग जानते नहीं होंगे और माउंटेनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एंड तक बने रहें उस स्टोरी को जानने के लिए एंड स्टार्ट करते हैं आप HMI के हिस्ट्री से। HMI यानी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के फेमस इंस्टीट्यूट में से एक है। इसकी स्थापना सन 1954 यानी 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड साथ ही एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा यानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइम किया था उनके द्वारा की गई थी। इनके बारे में एक स्टोरी भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। HMI साउथ ईस्ट एशिया का एक फेमस इंस्टीट्यूट होने के कारण इसे इंडियन माउंटेनिंग का मक्का भी बोला जाता है एंड इसने इंटरनेशनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ट्रेन करके भेजा है। HMI का ऑब्जेक्टिव है कि वो देश के मैक्सिमम यंगस्टर्स को माउंटेनिंग के लिए बढ़ावा दें। 1953 यानी 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट क्लाइम करने वाले तेंजिंग नॉर्गे की चढ़ाई ने भारत में संगठित खेल के रूप में उभरने का माउंटेनिंग को मौका दिया। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पता था, 1953 में जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया गया था तो उन्हें पता था कहीं ना कहीं माउंटेनिंग फील्ड और भी ग्रो अप करने वाली है। तो इसे सपोर्ट करने के लिए एडवेंचर को इंडिया में और फेमस करने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के CM डॉक्टर विधान चंद राय के साथ मिलकर उन्होंने ये माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट और एडवेंचर इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया तथा इसके बारे में योजना बनाई। दार्जिलिंग में 4 नवंबर 1954 यानी 1954 में इसकी स्थापना की गई और इसे स्टार्ट किया गया। कुछ ही टाइम के बाद ये अपना ग्रो अप बहुत ज़्यादा फास्ट करने में कामयाब रहा। दार्जिलिंग तेंजिंग नॉर्गे का गृह नगर होने के कारण एंड तथा ये खूबसूरत स्थानों में से एक था। स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट को लिबोंग कोट रोड पर राय विला में शुरू किया गया था, जहाँ स्वामी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थी यानी स्टूडेंट में से एक थी। HMI को 1958 यानी 1958 में बर्च हिल के पश्चिम क्षेत्र में अपने वर्तमान स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ये 8,585 मीटर ऊंची कंचनजंगा का व्यू प्रदान करता है जो वर्ल्ड की थर्ड सबसे ऊंची चोटी है और 62 ईयर्स तक इन्होंने 2,500 विदेशी नागरिक यानी इंडिया के बाहर के लोग और 45,000 इंडियंस को अभी तक इन्होंने माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया है। तेंजिंग नॉर्गे जून 1954 से लेकर मई 1976 तक HMI ऑफ फील्ड ट्रेनिंग के डायरेक्टर के रूप में बने रहे। उन्हें फिर 1976 यानी 1976 में काउंसलर नियुक्त कर दिया गया था और वो मई 1986 तक अपनी मृत्यु तक संस्था के लिए मार्गदर्शक बने रहे। हिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं इसके करंट स्टेटस की। तो अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड जो इसकी वाइस प्रेसिडेंट है वो है हमारी ममता बनर्जी एंड इसके प्रिंसिपल है वो है कैप्टन जय किशन जो HMI के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्होंने अपना एडवांस माउंटेनिंग कोर्स एंड बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था 2001 एंड 2002 में। तो बात कर लेते हैं हम अपने कोर्सेज के बारे में जो हमें HMI ऑफर करता है। फर्स्ट है हमारा बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, सेकेंड है हमारा एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, थर्ड है हमारा सर्च एंड रेस्क्यू, फोर्थ इज MOI एंड फिफ्थ इज एडवेंचर कोर्स, से हमारा रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, सेवेंथ है शॉर्ट टीम एडवेंचर कोर्स, एट्थ है हमारा ट्रैक टू सेंट कैपू, नाइन्थ है हमारा ट्रैक टू HMI बेस कैंप एंड लास्ट है हमारा कोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आई थिंक आपको अभी तक कोर्स एंड हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा एंड अब हम बात करते हैं एक स्टोरी के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। तो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग जब फर्स्ट टाइम की गई थी तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी द्वारा, इसके बाद इनकी एक जो स्टोरी है जो आज तक किसी के सामने नहीं आ पाई, इनका एक राज है जो आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया। जब ये वापस माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके नीचे आए
तो इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया कि माउंट एवरेस्ट पे पहला कदम किसने रखा था। तो ये सीक्रेट आज तक भी सीक्रेट है और अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि किसने पहला पैर रखा था, और शायद आगे भी ये ना चल पाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें, और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें। टेक केयर, बाय बाय।